गाइस, आज तारीख है 18 मई और अभी करीब 9 बज रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग सो के उठ गए और फिर ये सब जमा वमा के अभी इन्होंने ब्रेकफास्ट बनाया मेरे लिए। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या है। और आज रात को मैं निकल रहा हूँ कज़ान के लिए। आज थोड़ा बहुत घूम फिर के और फिर निकलेंगे रात को कज़ान के लिए। देखते हैं आज का दिन कैसा रहेगा, अभी कुछ प्लान नहीं किया हुआ है। थोड़ा बहुत ये बताएंगे क्योंकि इनको भी आज शायद काम पर जाना है, तो आज मैं अकेले घूमूंगा या देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये ऑमलेट बनाया उन्होंने मेरे लिए। उसके बाद ये ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर लगाया शायद बटर। और ये पाइन के नट्स जो कल मैं बता रहा था, ये है कॉफ़ी। और ये कुछ बेक्ड मिल्क है, इसके अंदर ये सीड्स नट्स डाल के खाना होता है। तो स्पेशली मेरे लिए ये मिल्क लेके आए हैं कॉफ़ी के लिए। वैसे थोड़ा सा मिल्क डालते हैं लेकिन अपने को मिल्क वाली कॉफ़ी पीने की आदत है, तो इसलिए वो मेरे लिए मिल्क लेके आए हैं। थैंक यू सो मच टू पावेल। ये इनकी गैलरी में कुछ नज़ारा है, यहाँ पे कुछ फूल वूल लगा रखे हैं। और फिर यहाँ बाहर से ये दिखता है बिल्डिंग, और ये वही बिल्डिंग है जो कल मैंने आपको बताई थी। सेवन सिस्टर्स में से कोई एक बिल्डिंग है ये, और इसी बिल्डिंग के जस्ट पास में ये रहते हैं। और ये उनके घर की दूसरी बालकनी है। और ये ऐसी कुछ पार्किंग है पूरे एरिया की। और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बिल्डिंग है। उन्होंने मुझे बताया कि ये जो बिल्डिंग है इसको बनाया था थोड़ा स्लांट करके, मतलब थोड़ा सा पहले से ही उसको टेढ़ा बनाया था, क्योंकि उनको लगा था कि ये ज़मीन के हिसाब से ये धीरे धीरे गिर जाएगी। तो उन्होंने उसको पहले ही टेढ़ा बनाया, जिसकी वजह से फिर वो थोड़े टाइम बाद, थोड़े सालों बाद ऑटोमेटिक सीधी हो गई और फिर आज तक वैसे की वैसे स्टेबल है। तो ये एक आर्किटेक्ट का और बिल्डर का बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, उन्होंने उसको सही तरीके से बनाया। और यहाँ पर ये छोटा सा एक गार्डन है जहाँ पे झूले वूले भी लगे हैं, और साथ ही साथ पूरी बिल्डिंग की पार्किंग भी है। बस सुबह मैंने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद में पावेल भाई ऑफिस चले गए थे। फिर ऑफिस जाने के बाद मैं थोड़ा बहुत इधर उधर घूम रहा था, थोड़ी देर पार्क में गया, कुछ मॉल में गया, और अब फिर से मैं निकल के आ गया हूँ उसी स्टेशन पे जहाँ से अभी मुझे पावेल के घर पे जाना रहता है। तो लेकिन अब मैं दूसरी साइड में जा रहा हूँ, तो सोचा अभी यहाँ से ब्लॉग शुरू करता हूँ। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। ये स्टेशन का नाम है क्रासनी ओरोता, और फिर अभी मेट्रो के लिए रुका हुआ हूँ। मैंने क्या किया था, 24 आवर्स का मेट्रो का पास ले लिया था, टिकट ले लिया था, जो अभी रात को 8 बजे तक मेरा वैलिड है। फिर रात को 10 बजे मेरे को फिर से जाना है वापस से कज़ान के लिए, तो उसके लिए मेरे को फिर से टिकट लेना पड़ेगा। लेकिन अभी अभी वेट करते हैं फिर से मेट्रो का, और उसके बाद मैं निकलूँगा यहाँ से। तो अभी दिखा दूँ आपको मॉस्को की मेट्रो। ये आगे है भाई मेट्रो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करती है ये। अभी ये मेट्रो से बाहर आ गया, मैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी ट्रेन में, तो अब मेरे को फिगर आउट करना है कि मेरे अगले डेस्टिनेशन पर कैसे जाना है। तो सबसे पहले मैं मैप से चेक करूँगा, फिर आपको बता दूँगा। अभी देखो मुझे जाना है यहाँ पर, तो ये मैंने सर्च किया, ये रूट डाला, और ये मुझे दिखा रहा है अभी 28 मिनट्स में पहुंच जाऊंगा। मुझे जाना है 6 नंबर से चल के, यहाँ लिखा है स्टेशन इज मोस्टली एम्प्टी, तो 4 स्टॉप बाद मुझे उतरना है यहाँ पर वादिन खा पर जा रहा हूँ मैं। फिर ये 6 नंबर पर जाना है, यही है 6 नंबर। मुझे अभी सीढ़ी से नीचे जाना पड़ेगा, तो चलो नीचे चलते हैं।
थोड़ी आवाज़ कम आ रही होगी तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकता मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है मेट्रो। और ऐसा कुछ एस्केलेटर है, ये तो काफ़ी छोटा है, इससे भी बड़े बड़े एस्केलेटर हैं। अब यहाँ से जहाँ जाऊँगे चल के जाना है, वहाँ के लिए सबके लिए डायरेक्शन बहुत ईजीली मिल जाएंगे। देखो जैसे मुझे यहाँ पर लेफ्ट में जाना है। ऐसा कुछ रास्ता ही है और मैं अभी स्टेशन चेंज कर रहा हूँ तो इसलिए रास्ता इतना लंबा है, वरना आपको ज़्यादा तो सीढ़ियाँ चढ़नी होती है, उसके बाद अलग अलग जगह पर पहुँच जाओ। और अभी ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ पर, काफ़ी लंबा चल के जाना है पर 4-5 स्टॉप जाना है, इसलिए कोई बात नहीं। और वही बार बार मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर अंदर मॉस्को के मेट्रो में जब भी आप इंडोर रहते हो कहीं पर तो वहाँ पर मास्क लगाना ज़रूरी है, बाकी बाहर मास्क लगाना ज़रूरी नहीं है। फिर यहाँ पर ये जगह जगह पर सैनिटाइजिंग मशीन लगा रखी है फ्री टू यूज़। फिर से नीचे जाना है, देखो यहाँ पर भी दिख रहा होगा या नहीं, बाकी अभी मैं ये स्टेशन पर हूँ, उसके बाद 4 स्टेशन आगे जाना है और बीच में कहीं पर लिखा है वादिन खान। फिर से वेट करते हैं ट्रेन का, फिर आपको बताता हूँ। तो पिछली ट्रेन जो आई थी उसमें काफ़ी भीड़ थी तो मैं चढ़ा नहीं, लेकिन अब फिर से नेक्स्ट ट्रेन आएगी उसके लिए वेट कर रहा हूँ। भीड़ में इतने चढ़ना अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि अभी इधर पता नहीं कोविड का क्या सीन है, तो जितना हो सके अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेजर करते हैं और उस हिसाब से ही रहते हैं। पुराने वाले ट्रेन के डिब्बे हैं तो मैं आपको नए वाले डिब्बे दिखाऊंगा, अभी इसके अंदर तो मैं नहीं जा रहा, नए वाले डिब्बे आपको दिखाता हूँ। खड़े रहने के लिए टिकने के लिए बनाया हुआ। फिर एक और चीज़ जो बताने लायक है वो ये जो सामने आपको स्क्रीन दिख रही है, इसमें हर बार स्टेशन चेंज होता रहता है और अपडेट होता रहता है। तो अभी जैसे मुझे दिखा रहा है कि मेरा एक स्टेशन आने वाला है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन मेरा है। बाकी जो आपको पुरानी ट्रेन दिखेगी, पुरानी ट्रेन के अंदर जो स्टिकर लगा हुआ रहता है तो उस हिसाब से ये काफ़ी अच्छा है, इसलिए मैं आपको ये वाली ट्रेन दिखा रहा हूँ। ये मेरे पीछे अभी आपको दिख रहा होगा, ये पूरे स्क्रीन पर पूरी मॉस्को मेट्रो का मैप बना हुआ है और इसको आप नेविगेट कर सकते हो। और ऐसे ही सारे के सारे डिब्बे में हैं, तो अब जहाँ मुझे उतरना है वो स्टेशन का अनाउंसमेंट हो गया है, अभी कोई है नहीं इसलिए मैं इधर खड़ा हूँ, तो फिर मैं गेट पे आके खड़ा हो जाता हूँ, क्योंकि अपने वाले थे अपने मुंबई के लोकल के बहुत ही ज़्यादा है, पर अभी कोई है नहीं यहाँ पर, इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं है और मैं भीड़ वाली ट्रेन में चढ़ भी नहीं। ट्रेन से निकलने के बाद अभी मैं बाहर आ गया हूँ और अब सबसे पहले यहाँ पर आपको ढूंढने रहती है कि आपकी कौन सी एग्जिट है, जिस भी आप जगह पर जा रहे हो आपकी कौन सी एग्जिट के पास में है। तो अभी यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखा रहा है कि मेरा एग्ज़िट 1 के पास में है, तो एग्ज़िट 1 के लिए मुझे राइट में जाना है। तो अभी चलो राइट में चलते हैं।
वगैरह काफ़ी नीचे है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये अच्छी है कि आपको जिनको खड़े रहना है वो राइट साइड में खड़े रहते हो, जिसको निकल जाना है चल के वो लेफ्ट साइड से आराम से चल के जा सकते हैं। अभी करीब एक दो मिनट हो गए हम लोग, मैं इस पर ही खड़ा हुआ और काफ़ी नीचे आए थे यहाँ से हम लोग। और यहाँ के लोग भी कोई कम नहीं है, अभी पता नहीं किसने कुछ कचरा फेंका था, वो पूरा बीच में से जा रहा था। मैंने पूरा लाइव रिकॉर्ड किया तो आपको दिखाऊंगा कि कितना टाइम लगता है एक्चुअल में, स्क्रीन पे लिखा आ जाएगा। और अब हम फाइनली पहुंच गए ऊपर।